हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डार्कनेस राइजेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अपने सेकंड मेन कैरेक्टर विजार्ड और जो अदर सब कैरेक्टर है एसिन से, उन दोनों का अवेकनिंग ट्रांसफर वाला अटैक का लेवल मैक्स करूँगा 20 तक, और रैंकल वीपन यूज करूँगा। सो देखते हैं कितना रैंकल वीपन लगता है और अदर जो मटेरियल्स यूज होते हैं और उसको भी देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम विजार्ड में आ गए हैं। सो देखते हैं, यहाँ पे टोटल 8 वीपन है और अदर जो ज़रूरत पड़ेगा तो एस भी यूज करेंगे। सो यहाँ पे एल तो कम पड़ गया, तो यहाँ पे एस यूज करते हैं। सो एस देखते हैं, 3 एस लग रहे हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मेरा दूसरे कैरेक्टर में भी अवेकनिंग का जो अटैक लेवल है वो भी मैक्स हो गया। अब एसिन से उसमें भी करना है। सो गाइज, यहाँ पे मेरा अब जो डिफेंस और एचपी जो बच गया है, सो यहाँ पर देखा जाए तो डिफेंस और एचपी, सो इसके लिए भी मटेरियल्स है रैंकल के। सो अभी तो डेबोनिक्स पाउडर कलेक्ट करना है एटलीस्ट 1 मंथ तक, और यहाँ पर जो मेरा। सो गाइज, अब जो है इसके विजार्ड का टोटल अटैक देखते हैं विथाउट एनी बफ। सो यहाँ पे 3.3 मिलियन प्लस है, तो एटलीस्ट 3.4 मिलियन क्लोज है। ओके, और यहाँ पे जो 2 बैटल फील्ड है और 2 पीवीपी है, और जो पावर है 58 मिलियन है, और यहाँ पे जो मैं टोटल पावर 70 मिलियन है, और यहाँ पे कॉस्ट्यूम में देखा जाए तो मेरे पास ग्लाइडेड का सेट है ड्रैगन वाला, सो इससे 15% अटैक इंक्रीज हो रहा है। और अब जो और यहाँ पे अटैक का इंक्रीज का पेट है। सो अब मूव करते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर एसिंस में, और उसमें अटैक का लेवल मैक्स करते हैं और फिर उसका भी अटैक देखेंगे। सबसे पहले इसका अटैक चेक करते हैं, उसके बाद मैक्स करेंगे। तो इसका जो अटैक है वो 3 मिलियन है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रैंकल वीपन भी कलेक्ट किए हैं, सो टोटल 11 थे। सो चलते हैं अब अवेकिंग ट्रांसफर पर और देखते हैं कितना मटेरियल्स लगते हैं। सो यहाँ पे जो है वो 498 डेबोनिक पाउडर लग रहे हैं और अपने पास 500 है। सो यहाँ पे टोटल 11th रैंक एल लगे हैं। सो यहाँ पे भी इसका भी मैक्स हो गया, और अब जो 3 कैरेक्टर में मैक्स हो गया लेवल अटैक का। और अगला जो मैं ट्राई करूँगा वो वीपन में अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, सो उसमें तो अभी बाद में करूँगा। और यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए भी मटेरियल्स है, सब अटैक देखते हैं। ओके, तो 3.1 मिलियन और पीवी अटैक है 100 के प्लस। ओके, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे कॉस्ट्यूम में है जो मेरा वो ग्लाइडेड कॉस्ट्यूम है, ये भी सेट है पूरा, और यहाँ पे 50% अटैक इंक्रीज है। और जो है और कुछ है, और कुछ अब जो है वो आर्चर में चलते हैं और आर्चर में अवेकनिंग लेवल इंक्रीज करते हैं, और एक वॉरियर में भी करना है तो उसमें भी देख लेंगे अटैक इंक्रीज भले अवेकनिंग लेवल इंक्रीज करके। सो यहाँ पे लेवल 13 में हो गया है, अब जो है वॉरियर है उसको लेवल 14 में देखना है। सो इसका अटैक अभी उतना कुछ खास है नहीं, ये नॉर्मल भुकुरा के लिए परफेक्ट है बट अभी रैंकिंग के लिए तैयार नहीं है। सो वॉरियर में करते हैं।
तो अब इसमें जो है, अब इसमें करते हैं लेवल इंक्रीज, और सबसे पहले अब एकरिंग ट्रांसफ़र देख लेते हैं कि होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं रैंकेल यूज़ कर रहा हूँ, टोटल 8 शायद, यस टोटल 8 ही है। और यहाँ पे जो है मैं SP यूज करूँगा, और यहाँ पे जो डायबोनिक पाउडर है वो कम पड़ रहा है, या बड़े डायबोनिक पाउडर जो है वो कम पड़ रहा है। ओके, सो टोटल 329 लग रहे हैं, और अभी मेरे पास 213 है। सो इसको एक साथ ही करूँगा, और अभी जो सिर्फ अवेकनिंग लेवल ही इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अभी जो मेरा पावर है वो 104 मिलियंस है, और इसको इंक्रीज़ होने के बाद देखते हैं कितना होता है पावर। तो 500 के प्लस इंक्रीज पावर। तो यहाँ पे फिर भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ, 104 मिलियंस ही है, सेव के में ही इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे मुझे एक और है मिल गया है, अब अवेकनिंग अल्टीब्यूट्स लगाने के लिए पॉइंट्स। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्किल डिफेंस पेन लगा रहा हूँ फॉर 5 सेकेंड, और इसका जो कूल डाउन 30 सेकेंड है। और अब जो है बाकी सब तो क्लियर हो ही गया है, और अगर मुझे 3 पॉइंट्स मिले तो मैं इसको ही लगाऊंगा, गोल्डन ऑब्स को। 3 पॉइंट्स मिलने पर जब मेरा अवेकनिंग लेवल मैक्स हो जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नए डार्कनेस राइजेस की वीडियो में।